तो सुबह के बज लिए 4 और हम हो लिए अपने घर से फरार। ये है मोहन नगर जहाँ से हमारी बस मिलेगी, अब थोड़ी ही देर में बस आने वाली है। हेलो गाइस, राम राम जी, क्या हाल है सबके? आज बहुत दिनों बाद मिला आपको व्लॉग। क्या पता मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही हो, वैसे बस एक तेज है, फुल जान लगा रखी है हमने। हम मैं सुबह निकल गया अपने घर से 3 बजे। सॉरी। तो मैं कहता हूँ ना कि सुबह ना उठता है, आज मैं उठ गया हूँ 3 बजे, क्योंकि आज मैं जाना घूमने। अब फिलहाल बज रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी, तो बात दिखता यार। हम फिलहाल रुके हैं एक होटल पे, हीरा होटल, सुखदेव ढाबा, जय हो। हम जा रहे हैं फिलहाल घूमने ऋषिकेश में, और ये सेटिंग से बात करता रहे परमानेंट। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मम्मी क्या हो गया? मम्मी नमस्ते। हम फिलहाल जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने, तेरा हाईवे पूरा। ये हमारी बस जिसका किराया मात्र 800 रुपए पर पर्सन है। अंदर से इसकी कंडीशन बहुत बढ़िया, गाड़ियां कैसे आ रही है बागम बाग। हमने बस बुक करी है सुबह 4 बजे की, जो हमें सीधे उतारेगी नेपाली फार्म ऋषिकेश। हाँ, अभी हमें फिलहाल हाईवे पे आनंद जा कह रहा हूँ, मोहन नगर से हमारी बस्ती। हमें गाड़ी अल्टो कैसे खड़ी है, ऐसी मॉडिफाई करवा लो सब लोग अपनी गाड़ी। कुछ भी कितनी बेहतरीन मॉडिफाई हुई हुई है यहाँ सबके। अभी सुबह वाले ब्रेक चल रहे, यहाँ पे पुरस कर रहे हैं। हमारी कंडीशन ज़रा ऐसी हो गई थोड़ी, क्योंकि नींद तो पूरी हुई ना, रात को हम सोए 2 बजे, नहीं 2:30 बजे सोया और 3 बजे उठ गया। 3 बजे ने फ़ोन कर दिया मुझे कि उठ जा, मैं आया बैठा हूँ मोहन नगर से जो है मेरठ से, और तो यहाँ पे कुछ खा तो रहना, भूख तो लगना सुबह सुबह। यहाँ ज़रा थोड़े मूड फ्रेश कर लिया, मतलब समझ लो सुसु कर दिया, अब मूड धो लिया, अब दोबारा बस बैठे और रुकने सीधा ऋषिकेश। ठीक है, हम तो माँ तो कुछ खाया ना गया, अब हम थोड़ा हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल हम दोबारा बस में आ गए, जा रहे हैं ऋषिकेश को पहुँचा पूरे यू स्कूल का। अब हम पी रहे हैं जूस पी लो, हमारे दोस्त लाया था समर्थ बंसल ट्रॉपी का, ना मैंगो नहीं ऑरेंज लाइट सॉरी। अब हम वहाँ पहुँचते, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात? करोगे ना करोगे? और तुम्हें ना अभी 2 वीडियो में थोड़ा डिफरेंस सा दिखेगा, मतलब 2 वीडियो इन द सेंस, कोई कभी कहीं बीच में, कोई कभी कहीं बीच में, तो उनके जरा मुझे आप क्वालिटी का फ़र्क बताना, अगर कुछ फर्क दिखे तो आवाज़ का फ़र्क बताना, कहीं आवाज़ का फ़र्क दिखे तो हम इसको थोड़ी अपग्रेड, ही होता पहला वाला होटल, थोड़ी इसको अपग्रेडेशन करेंगे। दिखाइए, छोड़ दो ना, मैं भाग में जा रहे, देखो ये हमारा शीशा गंदा हो रहा, तो ये बेटा बनिया लोड जा। नहीं भाई, लोड नहीं था, मत लोड, देखो बेटा हाईवे कितना बढ़िया। हेलो, कर दो बंद सर, बाय गाइस, अब सीधा ऋषिकेश से मिलते हैं आपको, ठीक है। हाई डॉल देखो बच्चों, गाइस हाई डॉल चला गया भाई, नज़ारे देखो, नज़ारे सारी हरिद्वार पूरी सूखी पड़ी है। चल तो रहा पानी बंद रहा, मैं तो पुल बन रहा है, पुल पहले मैं सोचता था, देखो पहाड़ पहाड़ पे देखो मंदिर, ऊपर देवी माँ, जरूर देवी माँ का ही हो, शंकर जी का भी हो सकता है। अरे फोक बसी बहुत ही लिया ही था यार, अरे यहाँ भी घाट बन रहे थे, बढ़िया बढ़िया, क्या है घाट बन रहे हैं हरिद्वार भाई, और क्या है कुछ भी वो मंदिर ऊपर पहाड़ पे। फाइनली पहुंच गए हम ऋषिकेश, हमारे बस में उतार के फेंक दिया हमें यहाँ पे, अब हम आ गए बाइक लेने रेंट, यहाँ बाइक ऑन रेंट। हाँ पसंद तो आ रही है, पल्सर खड़ी है ना 200, पर वो खराब पड़ी, तो फिलहाल एक बुलेट देखी है, या तो बुलेट लेते हैं, क्या दिखा रहा है? हेलो, तपोवन दूर है भाई, या फिर अभी वो आ रही है पल्सर 220, उससे लेके अभी नाप दूंगा पूरा ऋषिकेश, आज ऋषिकेश नाप दूंगा, कल इस बाइक के लेकर सीधा गाजियाबाद, ठीक है। फाइनली आ गई हमारी वाली बाइक है, उसका नंबर ये है, ये पूरी कंडीशन इस तरीके की है, थोड़ी जैसी भी है सही है, ये टूटी बढ़िया आ गए यहाँ से।
तो गाइज हमें फिलहाल वो नहीं मिल पा रहा रिजॉर्ट, यहाँ पे रिजॉर्ट का कैंप वैम्प कुछ भी ना मिल पा रहा। हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते आ गए शिवपुरी। और देखो कैसे, देखो ऐसा लग रहा है यहीं गिर जाएंगे अभी हमारे मुंह पे को आगे। और नीचे राफ्टिंग राफ्टिंग हो रही है हर जगह। यहाँ से बद्रीनाथ भी शायद 200 किलोमीटर दूर रहेगा, एक मन तो आ रहा बद्रीनाथ पहुँच जाए डायरेक्ट। फिलहाल यूरी बाइक हमारी 500 रुपये का तेल गिरवाया है इसमें, एक डंडा भी ना आया इसमें, तो बेचारा थक गया हमारा लड़का। गाइस हमें मिल गया है क्या कह सकते हैं इसे, टेंट कैंप। हमें उसमें नीचे फोटो में दिखाया तो बड़ा बहुत बढ़िया था, पर कंडीशन इसकी ऐसी है फर्जी काम चला हुआ वाली। यहाँ है 1400 रुपये पर पर्सन का हिसाब। उसमें है आपको सुबह का ब्रेकफास्ट। अरे बाल कहाँ उड़ रहे हैं, कूलर चल रहा ना पीछे मेरे एसी। ये कह रहा था सर एकदम बेहतरीन एयर प्योरीफायर लग रहे हैं वहाँ पर, आपको बिल्कुल भी वहाँ गर्मी महसूस नहीं होगी। खैर सही बताऊँ तो गर्मी तो महसूस नहीं हो रही, कूलर अभी ठंडी हवा फेंक रहा। 1400 रुपये में सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद आपका लंच, फिर डिनर, नहीं फिर स्नैक्स, फिर डिनर और पूल वगैरह है। अब देखो क्या करते हैं, पर है सुथरा बहुत ऊपर। इसी केस से हम शिवपुरी आ गए कैंप ढूंढते ढूंढते, हमें यहाँ के मिला रही भी ऐसे मिल गया पड़ती थी। देखो ए शादी का टेंट लगे ना, और शादी का टेंट ये बेड पड़े हैं, वहाँ साउंड बड़ा, ये कूलर, ये वॉशरूम। ऐ गाँव भाव में रह रहे हो कहीं, इस कंडीशन देखो बेचारे की। मैं थक गया हूँ, 10-50 किलो का तेरा बैग उठा गया वो। गाइस एट द एंड हमें वो चेंज करना पड़ा, हमारा सब मन बिल्कुल नहीं माना, तब हमने उसकी कॉटेज ही ले ली। मैं कहा भैया तू पैसे ले ले हमसे, पर चीज डंकी दे दी, थोड़ा नींद बीन से भी आ जा। पता अगले में ना तो बाथरूम में गेट ठीक है, ना मेन गेट पे गेट। अगर कहीं बाहर जाओ बैग वगैरह रख के तो कोई मतलब नहीं, कोई भी बढ़ सकता है। अब हम चेंज करके ये लिया ऐसा, देखो सामने गेट, ऊपर ऐसा पहाड़ सा बन रहा है, पंखा भी है, पंखा भी ना था, लाइट भी नहीं थी इसमें, लाइट है देखो ये। रुक जा स्विमिंग पूल में नहा ले जा ठीक है, ये ऐसा और ये एक बेड एक्स्ट्रा दे रखा क्योंकि उन पर कवर वर्ड तो कहीं है ना, आगे से सामान भर दो। हमें रूम मिला था, रूम में ही कूलर, देखो कूलर का सारा पानी बह गया यहाँ, इसे देखो। अब हमारा हो गया लंच टाइम, हम जा रहे लंच करने। ये वहाँ पूल है देखो, ये पूल है हमारा, तो हमारे बाप का थोड़ी है। सामने पहाड़, ये पूल, अभी नहाएंगे इसमें, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। क्या मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं, भूख लग रही है। देखो पहाड़, ये आ गया हमारा परफेक्ट सिस्टम खाना। ये हमारा कूलर जो लीक हुआ था, कर दिया हमने सब वापसी। अब हमारा लग गया नया कूलर, पूरा कमरा जो सफा करवा दिया, सुथरा भी छोड़ गया पर गीला गीला, देख पानी भर रहा भी पूरा। मैं अभी दूसरा आया, रोटी वोटी खाया है, इतनी बढ़िया खाना वाना बढ़िया था, कोई ज़्यादा इतना खास भी नहीं था और कोई इतना बुरा भी नहीं था, वेल था, मतलब पेट भरने को बढ़िया ठीक है। देखो चंदा का दिखना रहा, ए बंदर हम जाएंगे पूल बनाने, बस दो बोरी है पर जब भी जाएंगे चलना पूल में, चलो भाई पूल में चलो, क्या कपड़े चलो रेड टू पूल है भाई, चलो पूल में मिलते हैं ठीक है। तो दिखाता हूँ बाहर का व्यू, बाहर का नज़ारा है, ये हमारे कुछ कॉटेज से व्यू, ये देखो ये सारे कॉटेज कॉटेज बन हुए हैं फिर इस तरीके के। यहाँ बाहर बैठो आराम से, अंदर लौटो, ऐसा वैसी बन रहा है बढ़िया सा। देखो पहाड़ देखो सामने बाहर, व्यू तो पूरा बढ़िया है, बस एक दिक्कत है यहाँ की जितनी नदियाँ हैं ना, नदियाँ सूख गई सारी बेचारी, क्या करें गर्मी इतनी हो रही है, हम ही सूख रहे हैं। ये देखो और सामने वो है टेंट जो हमें पहले मिले थे, पर हमने वो वापस कर दिए क्योंकि हमारे बस की नहीं था इतने उसमें बैठना, इतनी बेकार सी व्यवस्था में, तो इसलिए हमने वो रिजेक्ट कर दिए। हम आगे कॉटेज में, अब कॉटेज यहाँ पे है 1800 रुपये पर पर्सन, जिसमें आपको सुबह का खाना, वो मुझे बोलेंगे LBW
लंच ब्रेकफास्ट BLW लंच BLD। देखो पेड़ कितना बड़े लग रहा है ना, बढ़िया। देखो ना यहाँ पे वो बन रही है मसान सी, वहाँ जाता हूँ व्यू दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से व्यू, ये सारी नदी थी जो वो बन रही है, हवा चल रही है। बेटे लौटा ना आ रहा हूँ, कहना होती है भैया कहीं। देखो सारे पहाड़ काट काट के रास्ता बना रहे हैं। नदी पति कहाँ से लेनी, यहाँ से इतनी बढ़िया नदी चलती है, पूरी भयंकर थी। तेरा मछली बन रहा है एकदम, मछली बनू उड़ती फिर मस्त गगन में, पहाड़ी पहाड़ों हो बेशक बेशक। कितने पहाड़ों का गर्मी पूरी है, शाम को आएगा मजा, शाम को भी देखी जाएगी। वैसे 40 डिग्री टेम्परेचर और आप भी यहाँ ना के फिलहाल कपड़े सम साइज लॉक खोलना मैं आगे, जल्दी खोल दे भाई। हाँ अंदर तो नहर आ गई पूरी, कहाँ बह रहा है नहर तो ना बह रही नहर। आप लोग सोच रहे हो हम बार बार यहीं दिख जाते हैं इस गली सी में। अब धूप थोड़ी सी कम हुई है जिसे कह सकते हैं, वैसे तो उतनी की उतनी है। हम दोनों चश्मे पश्मे सेट करके, ओहो हम सब बड़ा डोनी ना है यहाँ कोई। हम जा रहे हैं अब यहाँ, वो है नीचे नदी सी, बीच टाइप का बन रहा हो थोड़ा, और आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तो गली पतली सी की होती जा रही है, हम दोनों चलते आ रहे थे, अब हमें आगे पीछे होने पड़ेगा। आगे से रास्ता भी है या नहीं है? ये देखो ऐसे कॉटेज ही कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे, देखो रूम खुले पड़े हैं सबके। अब हमारी हायाबुसा आने वाली है बाहर, मौसम थोड़ा थोड़ा पहले के मुताबिक। फिर वहाँ पे थोड़े फोटो फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवाने तो आम और अभी क्या, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। ये कहाँ रहेगा देखो, इसके काम आते लुगाइयों वाले हैं वैसे। अभी ये स्टोरी लगा रहा था इंस्टाग्राम पर, इसने पूरा पूरा 1.5 घंटा लगाया जिसमें से गाना सिलेक्ट करना था बस। एक घंटा सोया था मैं। हाँ हाँ 1.5 घंटे बाद भी भाई ने नहीं बोल दिया। 1.5 घंटे बाद भाई ने ही बोल दिया कि मेरे पे स्टोरी नहीं लग पाई। अब छोड़ा एक घंटा सोया था मैं। ठीक है ना, ये लोग भी घूमने जा रहे हैं। इस पर इतना जबरदस्ती करके गरा बाइक लाऊंगा, अब इस पर बाइक भी नहीं ली यहाँ से। ओहो धूम मचा ले बेटे, आ बेटे बंद कर दी पहली बार में ही। घुमा दे मैं, देख कैसे चला रहा कैसे चला रहा। धूम आ गई धूम, we'll be right back.
गाइस अब हम जा रहे हैं लोकेशन पे जहाँ से राफ्टिंग भी होती है और वहाँ पे फोटो वोटो भी खींचते हैं बढ़िया। देखो अभी चलते हैं पहुँचते हैं वहाँ पे। रास्ता तो बहुत बेकार है, रास्ता तुमने दिखा देख लिया होगा वीडियो में। ओ मैया मर गए, ठीक है पैसे चलेंगे। अरे तुम्हारी बाइक की सुधरी कड़कड़ बोलती है ये। चलो गाइस देखो यहाँ से होती है बंजी जंपिंग, इंडियाज हाईएस्ट बंजी जंपिंग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हिमालयास बंजी, हिमालयन बंजी। यहाँ पे एक बंजी है और तीन है यहाँ पे। आगे फिलहाल तो हम पीछे वाले रास्ते पे, इसलिए पीछे वाले दिखा रहा हूँ, वरना यहाँ तीन हुआ है बंजी जंपिंग के। वो अलग अलग सी है ना यहाँ पे। तो इस कैंप के बारे में जैसे आप करनी हो कर लेना, शिवपुरी में है ये, डिवाइन गंगा रिजॉर्ट के बराबर में शिवपुरी। इसके बिल्कुल बराबर में ही है, तीन इसके अंदर। हम तो प्लान दिखा रहे थे हमारे बस की ना करना, ठीक है। देखो ये तीन और हैं यहाँ पे अलग अलग, शायद कोई कर भी दिख है इनमें तो नहीं दिख तो रहा दिख। ऐसे कोई कूद जाओ, हम वीडियो बना लेंगे तुम्हारी। कूद आया वहाँ पे नीचे है वो, यहाँ छत पे लैंड कर रहा है आदमी। तो चढ़ते चढ़ते थक जाता होगा, ठीक है कर लेना गाइस यहाँ पे आके। देखो ये बुकना हो रहे राफ्टिंग कैंपिंग बंजी जंपिंग। अपने राफ्टिंग वाले यहाँ ला रहे हैं, यहाँ कहाँ राफ्ट करवा रहे हैं? वो तो है, तो कहता हूँ मैं उससे। गाइस ये राफ्टिंग की जगह, यहाँ सारे अपनी राफ्ट ले लेके आते हैं। अब तो वापिस जा रहे हैं सारे, आधे लोग कर ही आए। बताओ बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। लिए बस इतना ही होगा भाई, जा रहे बेचारे मेहनत करते करते। देखो आ रही क्राफ्ट वहां से। गाइस फाइनली हम आ गए इस लोकेशन पे। देखो हवा कितनी बेहतरीन चल रही है यहाँ, ये धीरे 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 नदियाँ चल रही हैं यहाँ, क्या मजे आ रहे हैं। चल तू पोच में आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ जाना पोच? क्या हाल है भाई? हैं मैगी है यहीं ला देगा? ले आया दो प्लेट लिया। हाँ वेज, ज़्यादा मिर्ची मत कर दी पर भाई उसमें, ठीक है। चलो जी हमारी मैगी का जुगाड़ हो गया। ये देखो गाइस जा रहे हैं राफ्टिंग करते करते सिंगल सिंगल आदमी, दिख रहे हैं ये पतली सी बोट पे बैठे आ रहे हैं। जो भी कोई यहाँ आओ तो पहले बता रहा हूँ, देख लो दारू पारू तो पीना मत यहाँ, तो सबके चलान कट रहे हैं सबके। जो भी यहाँ दारू पी रहा बैठ के सबके चलान कट रहे हैं। इसमें अंदर नहाना मत। देखो आगे भाव देखो कितना तेज है, कहाँ गया भाव? भाव ये देखो भाई, भगवान का सब इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, बस नहीं चलता कि मैं कूद पड़ूँ अभी नहाने। बहुत चिल्ड पानी है जगह, क्यों आ हा हवा ऐसे लग रहा है ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा हूँ पानी। पता ना मेरी आवाज़ आ भी नहीं होगी तुम तक ना। मैं बहुत देखो संगम चल रहा, संगम ये है यहाँ ब्राउन वाला पानी, मैं देखो नीला हरा वाला पानी, सॉरी ऐसे तो होता संगम में, बस वहाँ पे एक सफ़ेद वाला और दिख जाता, बस वो नहीं दिख पा रहा। वो तो खैर इलाहाबाद में मुश्किल से दिख पाता, वहाँ भी एक आध बार किसी को दिख गया वरना वहाँ भी नहीं दिखता।
सब ने यहाँ सिगरेट पिगरेट पी सब बेकार कर रखा मामला। देखो देखो है ना बिल्कुल ब्राउन पानी और तो ग्रीन पानी डिफरेंस, और दोनों साथ साथ ही बह रहे हैं। गाइस हम अच्छे की तलाश में, रुक जा पकड़ ले थोड़ी देर, कुछ ज़्यादा दूर आ गए। देखा हमारे भाई वहाँ खड़ी है कहीं, अरे खरगोश भग के जाएगा ये, क्योंकि चल जल्दी भग रहा। देखिए तो अच्छे लग रहे हैं पत्थर ही बारीक बारीक से बेचारे। पत्थर ही पत्थर देखो तुम, वो तो पीछे का रास्ता बंद कर दिया है यहाँ पानी का, क्योंकि पुल बना रहे हैं, वरना तो अभी तक यहाँ पर बाढ़ ही होती, इतना पानी है, सारा रास्ता बंद कर दिया वहाँ का, इसलिए अभी खाली कहीं कहीं से निकल के आ रहा चुपचाप पानी बेचारा। ये चीज है देखने लायक जो है नेचर असली। अब आदमी आके इन्हें गंदा कर दे। हमने तो भैया देखो मैगी खाई, बाकी दोनों हमने जो है जिसने मैगी थी उसी हमने पकड़ा दिया, मतलब उसको डस्टबिन में उसमें उसमें डाल दिया डस्टबिन में। सांस चढ़ गया फिर से ऊपर। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पत्थर छोटे छोटे से। हाँ ये देखो गाइस हमारे रिजॉर्ट में जल्दी खाली ये लाइट, और नीचे जो रिजॉर्ट थे हम घूम फिर गए सब जगह, सब ने आ गए दोबारा यहाँ पे कैंप में। इतनी बेहतरीन बेहतरीन लाइट जल रही थी यहाँ पे, ऐसा नौचंदी बना रखा था पूरा, बहुत सुंदर लग रहा था। ये थी वो कैंप जो मैं तुम्हें बता रहा था पहले मिला था मैं कैंप, ये था लगा ना खाली एक लाइट। अब हम आ गए, देखो अगर दोबारा पूल में कूदेंगे तो कूद जाएंगे, वरना है पा वो है क्या कहते हैं सर पार्टी नाइट टाइप का, उसमें चलेंगे। हो गया अबे घोड़ी आ गई, घोड़ी ओए घोड़े देख घोड़ी, घोड़ी की लोड़ी ले ले। ये रहा हमारा रिजॉर्ट ऐसा कुछ, ये रहा मैं, ये रहा ये बनिया हमारा। हाँ बेटे भग के जा रहा और तेरे भग, हम लुढ़क ही ना जाओ उल्टे चल यार। नहीं खींच रहा, नहीं खींचूंगा बता क्या कर लेगा, बदतमीज कर रहा हूँ उससे, मुझसे बदतमीज। हाँ पूल पूल में खिंचवाते हैं फोटो, बहुत सारी फोटो हमने ऊपर खिंचवा ली, अब पूल में कूद के खिंचवा ली। जल्दी कूद जा जल्दी जल्दी जा, अब ये हमारा पूल ये। तो करते हैं इस ब्लॉग के यही एंड, लाइक करो फॉलो करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो।